नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप बजाज फाइनेंस से रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, वो भी 50% कैशबैक के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पर जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, और आपको एक लाइक का ऑप्शन आएगा, उसको लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना रहेगा बजाज फाइनेंस। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से ही इंस्टॉल है तो आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको बैक बटन पे आ जाना है। फिर आपको बजाज फाइनेंस का जो ऐप है उसको ओपन करना है। आप दिखा देते हैं आपको, ये है बजाज फाइनेंस मोबीक्विक वॉलेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे EMI पे क्लिक करके, ये मेरा बजाज कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 40,000 की लिमिट भी दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे लोन भी लिए हुए हैं यहाँ पे मोबाइल का, और मैंने इसको पैड भी कर दिया है। तो दोस्तों, आप चलते हैं, बताते हैं कहाँ से आपको रिचार्ज करेंगे तो कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको आता है ऑप्शन मोबाइल का, तो यहाँ पे आपको मोबाइल के ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्त, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। दोस्त, मैं 10 रुपीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको देखा यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे दे रहा है 10 रुपये में आपको 7 रुपये 47 पैसे आएंगे, और यहाँ पे आपको आता है मेक पेमेंट। तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिचार्ज सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी मेरा दिखा रहा है और रेफरेंस नंबर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रुपये का यहाँ पे रिचार्ज हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैशबैक कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैशबैक। यहाँ पे आपको अनेक सारी ऑफरें दी जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको वो ऑफ़र दिखा देता हूँ। दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं 50% कैशबैक ऑन एक्टिवेट ऑन द EMI कार्ड टूडे, यानी आज के डेट में मुझे 50% का कैशबैक भी मिला है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ भी साझा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको EMI कार्ड अप्लाई करना है बजाज का, तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अप्लाई करने का वीडियो बना के भेजूँगा पर्सनल, आप देख के वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 13 मई 2018 को अप्लाई किया था, और इसका वैलिडिटी डेट है 1 मई 2028 तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और आपको ऑप्शन बता दूँ, यहाँ पे आपको लोन लेने का बहुत बढ़िया मौका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5,000 का लोन लिया था। अब मुझे दिखा देता हूँ आपको, मैं 5,000 का लोन लिया था, 1783 रुपये भर रहा था पर मंथ 3 मंथ के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे फिर 349 रुपीज़ प्रो फीस देनी पड़ी, यानी चार्ज उसके देने पड़े, मैं अपना काम भी कर लिया। तो दोस्तों, आप इससे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे बजाज कार्ड का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, और एक छोटा सा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इसी पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, लाते हैं अगले वीडियो में।